संजय राउत जिसने कहा है कि ये नॉटी नॉटी बातें की थी, वो कह रहे कि सचिन ने हमारा नहीं एनसीपी का आदमी है, तो आप अपने बंदे को बलि का बकरा बनाएंगे, शिवसेना का लीडर को एनसीपी का बताएंगे। ये बताता है कि ये केवल एक तरफ प्यादा था सचिन वाजे, वो सारी टीम प्यादा थी और इनके पीछे कोई ना कोई जो चलाने वाला है कठपुतली वो कोई और लोग है, वहां तक पहुंचना जरूरी है। ये तो केवल कठपुतली है। आपका जो चीफ मिनिस्टर का एजेंट है वो तो कहता है एनसीपी का आदमी है, कोई कहता है शिवसेना का आदमी है, कोई कहता है इसको हम पूरी क्लीन चिट देते हैं। इंक्वायरी कहाँ से होगी? शिवसेना सरकार और ये एनसीपी लगातार सचिन वाजे और परमवीर को बचाते रहे, लगातार उसको सपोर्ट करते रहे। एनआईए आए तो पोल खुल गई, जस्ट इमेजिन अगर एनआईए बीच में ना होती तो इस केस का वही होता जो केस सुशांत सिंह राजपूत का हुआ। आज मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर उस समय सरकार जागी होती तो सुशांत सिंह राजपूत का मृत्यु का पता चलता, उसके बाद में आत्महत्याओं का पता चलता। वो इसलिए पता नहीं चल रहा कि सारे के सारी सरकार ने उनको बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आज एनआईए के कारण उनकी एड़ी चोटी का जोर फेल हो रहा है, इसके कारण सभी बौखलाए हुए हैं, सभी हाथ झाड़कर बैठे हैं। तो सरगना तो ढूंढना ही पड़ेगा। आप लोग जरा दो मिनट मेरी बात सुने, दो मिनट। जनरल बख्शी जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं मेरा काम है सवाल करना और मैं सवाल करूंगा, और मुझे लगता है, मुझे पता है कि कई लोगों को मेरे सवाल सुन के उनको बेचैनी हो रही है। संजू वर्मा संजू वर्मा वन वर्सेज वन टक्कर किया जा सकता है, और अगर किया गया तो सवाल उठता है और पूछता है भारत। ऑडियो क्लियर नहीं है इधर। परमवीर सिंह को क्यों बचाया जा रहा है? एनआईए का सवाल ये होना चाहिए कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे के बीच में जो बातें हुई उसकी कौन रिपोर्ट निकाले। परमवीर सिंह ने ये बात कही है कि उसे पता है 100 करोड़ की वसूली के लिए ये कहा गया, तो आप मुझे बताइए परमवीर सिंह के पास क्या सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी? परमवीर सिंह ने कॉन्फिडेंस रखा था सचिन वाजे, और सचिन वाजे ने कॉन्फिडेंस था परमवीर सिंह को। इसलिए संजू वर्मा एक तरफ और दूसरी तरफ विक्रम सिंह यादव, पहले संजू वर्मा दोबारा चूसा था। इसके लिए आप उसके और मानहानि का दावा भी नहीं कर सकते, इसलिए बीजेपी को छोड़िए, अपने घर में जाकर देखिए। सरकार का सवाल नहीं है, सवाल आपने अभी क्या किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार बनना न बनना इसका परमवीर से क्या संबंध है? सरकार बनना न बनना इसको अर्णब गोस्वामी को जेल में डालने का क्या संबंध है? सरकार बनना न बनना अर्णब गोस्वामी के सारे स्टाफ को तंग करने में इस लोगों का सुझाता उन्हें बोलिए 5-स्टार होटल से निकले। बीजेपी डरने वाली नहीं, हमारे सामने राजनीतिक रोटियां मत फेंकिए अपनी। आवाज ही नहीं आ रही। सुजाता पॉल आप तो चुप रहिए, आप कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हो। हु आर यू आप गिर गंदी के लोटे हो। यू आर नॉट एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस। आप है कौन? यू आर नोबडी। बीजेपी की नेता और प्रवक्ता संजू वर्मा ने सुजाता पॉल को पूछा आप है कौन? हु आर यू? सही है, नेशनल टेलीविजन पर आकर मेरे साथ डिबेट मत करिए। हु आर यू? आर यू एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस? नहीं। देखिए बात तो यही है कि संजू वर्मा भी बोल रही है कुछ। संजू वर्मा ऑन द लेफ्ट, संजू वर्मा आपका वीडियो फ्रीज हो गया। संजू वर्मा कुछ कह रही है।